प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधु बुधवार की सुबह पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने नवनिर्मित बेस चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल की सभी बारीकियों को परखने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेस चिकित्सालय को शुरू करने के लिए कार्रवाई चल रही है। अगले कुछ सप्ताह में अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का ही हिस्सा रहेगा। बेस हॉस्पिटल बन के तैयार है बिल्डिंग, तो इसको जल्दी से जल्दी चलाने का प्रयास चल रहा है। कल हेल्थ सेक्रेटरी भी यहाँ आ रहे हैं और दो दिन पहले हमने देहरादून में भी इसके बारे में मीटिंग की थी और मुझे लग रहा है कि अगले कुछ ही सप्ताह में ये चालू हो जाएगा। गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव पिथौरागढ़ पहुंचकर बेस चिकित्सालय से संबंधित जरूरी कार्रवाई को लेकर बैठक करेंगे। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उड़ान के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वह विमान खरीदने की प्रक्रिया कर रही है। एयरपोर्ट फ्लाइट भी करीब दो महीने में चलने की संभावना है। टेंडर वगैरह सक्सेसफुल हो गए हैं। अब जिस कंपनी को मिला है वो हवाई जहाज खरीद रहे हैं, तो उन्होंने पहले ऑर्डर दे दिया है। बताया गया है कि वो भी कह रहे हैं कि दो महीने में हमारी व्यवस्था हो जाएगी और प्लस एयरपोर्ट का सुधार की भी आवश्यकता है। इसको थोड़ा बड़ा भी करना है, सुधारना भी है ताकि और फ्लाइट्स आ सकें। उसके लिए भी कहाँ कहाँ क्या क्या होना है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक लिस्ट दी है कि ये जो चीज़ें आप करें तब इसका सुधार होगा और फ्लाइट्स आ सकेंगी, वो भी सारी लिस्ट डिस्कस की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिलाधिकारी जी ने प्रेजेंटेशन किया, उन सभी को तेज करने के लिए ही आज यहाँ विजिट किया। इस पूरी प्रक्रिया में दो माह का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि अभी हवाई पट्टी का और विस्तार और कुछ सुधारीकरण कार्य किए जाने हैं, जिसकी सूची जिला प्रशासन को दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जारी है, जल्दी ही इस पर भी कार्रवाई होगी। हाँ, वो सर कुछ प्रोसेस में है, इसलिए कल हेल्थ सेक्रेटरी आ रहे हैं। तो सारी चीजें जो भी बिल्डिंग ओरिजिनली मेडिकल कॉलेज की भी है, लेकिन उसका इंतजार ना करते हुए इसको, क्योंकि बन गई है बिल्डिंग, इसको जल्दी से जल्दी यूज में डाला जाए, इसके लिए वो आ रहे हैं। इस दौरान जिला अधिकारी रीना जोशी, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव देहरादून के लिए रवाना हो गए। मुख्य सचिव के दौरे के बाद उम्मीद की जा रही है कि बेस चिकित्सालय का संचालन जल्द शुरू हो जाएगा और लोगों को उपचार के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय में भी मरीजों का दबाव कम होगा। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।